नमस्कार बच्चों, पिछले अध्ययन में हम लोग अपठित भाग के अंतर्गत सुकिढाली के दसवां भाग में बेला के प्रति घर वाले इतना उससे आदर करने लगे थे, लेकिन बेला को आदर करना सम्मान करना पसंद नहीं है। लेकिन वो क्या चाहती है हम लोग जान चुके थे कि बेला इन सब परिवार के साथ एक होना चाहती है, ना ही उसे आदर चाहिए ना ही उसे सम्मान। तो आज के संदर्भ में बेला अपने विषय को कैसे प्रकट करती है, ये हम लोग अध्ययन करने जा रही हैं। आज के अंतर्गत चरित्र चित्रण में आते हैं दादा बेला हिंदू। आज के संदर्भ में विषय के अध्ययन के तौर पर देखेंगे तो दादा, हमें पता है दादा रूपी वटवृक्ष की छाया में परिवार के भीतर चलने वाली संघर्ष की चरम अभिव्यक्ति बेला अपने शब्दों में कैसे प्रकट करती है आज देखने जा रही है। बच्चों, पेज नंबर 156 में देखिए, चरित्र चित्रण में इंदु आती है। इंदु, बाबी जी, बेला चुप रही है और बैठी हुई है। इंदु फिर बाबी जी को बुला रही है, कंधों को हिलाते हिलाते, बाबी जी बाबी जी। बेला ऊपर मुंह उठाती है तो रो रही होती है, रोती हुई दिखती है। हिंदू, है भाभी जी, आप तो रो रही है। आंखें पोंछते पोंछते बेला, नहीं मैं रो नहीं रही, पर हिंदू परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके ना बुलाया करो। बेला अपने नन्नस से यह कह रही है, मुझे जी जी कह के मत बुलाया करो। हिंदू, लो भला यह कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कई अधिक पढ़ी लिखी है। हाँ, क्यों आपको आदर नहीं करना चाहिए, जी जहे जी कहकर आदर देना हमारे सभ्यता में हमारे संस्कृति का विचार बनता है, लेकिन आप हमसे बड़े हैं, आयु में भी उम्र में भी बड़ी है, और यहाँ मेरे भाई के भाई की पत्नी जो है, मेरे भाई की पत्नी होने के नाते मुझे भाभी जी कहना चाहिए, और पढ़ी लिखी भी मुझसे ज्यादा है, इस कारण आपको आदर से सम्मान से बुलाना जरूरी होता है। बेला, पहले तो मुझे जी जी करके नहीं बुलाती थी, पहले तो तुम ऐसा नहीं बुलाती थी, आजकल तुम भाभी जी कहकर क्यों बुला रही हो। इंदु, मैं तो मूर्ख टहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था, इसके पहले मैं दादाजी कहने के पूर्व मैं मूर्ख थी, अब दादाजी ने हमें समझाया है आपसे आदर सम्मान के साथ बातें करना चाहिए। बेला को दादाजी के बात सुनते ही चौंक पड़ी, तुरंत कहने लगी, दादाजी ने क्या कहा था। इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए, मुझे ही नहीं घर के सभी सदस्यों को बुलाकर दादाजी ने समझाया था कि आपके साथ आदर के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने दादाजी के सामने कभी भी इस घर परिवार के संघर्ष के बारे में या लड़ाई झगड़े के बारे में कभी नहीं बताई थी, लेकिन ऐसा क्यों कहा। इंदु तब प्रत्युत्तर में देती है कि शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप भाग वाले, शायद आपने ही कही होंगे, लेकिन भैया ने कहा होगा कि आप अपने साथ यानी आपका मन इस घर में नहीं लग रहा है और आप बाग वाले घर में मकान में रहना चाहते हैं। हो यह बात है क्या, दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं,
किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की ढालियां हैं, वे कह करते हैं, और इससे पहले कि कोई ढाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर में अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, काम करें, आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। आपको पता है, दादाजी हमेशा इस परिवार को बरगद पेड़ के समान मानते हैं, और इस पेड़ से एक ढाली भी अलग होकर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर एक सदस्य भी इस घर से अलग होंगे तो दादाजी कहते हैं उनका रिश्ता तोड़ देंगे, उनका रिश्ता ही तोड़ने वाले हैं। तो यह बात आपको मालूम है ना। सबको समझाया भी है कि इस घर परिवार वाले एक साथ जुड़कर जिए, एक पेड़ में रहे ढालियों के समान, वही फले फूले सरसाए। लेकिन कभी भी एक सदस्य भी इस घर से अलग होना बिल्कुल दादाजी पसंद नहीं करते। अगर जाना चाहते हैं तो इतना सिहर उठते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस घर से एक सदस्य अलग हो जाए। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती, मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। अब तक दादाजी ने सब घर वालों को समझाया था कि घर वाले सभी बेला के साथ इज्जत का व्यवहार करें, लेकिन आज बेला चाहती है मुझे ना ही कोई सम्मान, ना ही आदर, ना ही इज्जत। मुझे चाहिए आप में से एक होना, आप में से जुड़कर एक होना चाहती हूँ, सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। हिंदू, यह कैसे हो सकता है बाबी जी, ये कैसे हो सकता है? दादाजी ने हम सबको मना कर चुके हैं कि आपसे कोई ना काम करवाना है। आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। बेला दीर्घ श्वास लेती हुई, मैंने आप लोगों को कितना गलत समझी थी और आप लोग मुझे कितना गलत। हिंदू, आप कैसे बातें करती है? लाइए कपड़े, लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी पटक लाऊं। हिंदू दादाजी के कपड़े धोने के लिए लेके चलती थी, तुरंत भाभी जी से कहने लगी, आपके भी कपड़े मैं धो डालूंगी, दीजिए। बेला चुप होकर सोच रही है, फिर हिंदू उसे भाभी जी कह के बुला रही है। बेला मन ही मन अपने बातों को निश्चय करके बताती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। अब बेला अपने मन को परिपूर्ण रूप में परिवर्तन कर चुकी है, ताकि दादा अपने संयमी के कारण, दूरदर्शिता के कारण इस घर के भार को संभाल चुके हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि घर को संभालना ही नहीं, घर को एक सा जुड़ाकर आगे बढ़ाना भी है। दादाजी के दूरदर्शिता की दृष्टि से ही आज ये घर परिवार जितने भीतर ही भीतर संघर्ष के साथ चलता था, आज उन सब संघर्ष को दूर करके एक साथ जीने का परिणाम स्वरूप बना है, तो दादाजी ही इसका मूल कारण बनते हैं। हिंदू, दादाजी नाराज ना होंगे अगर आप काम करेंगे तो? दादाजी नाराज नहीं होंगे क्या? बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। भाभी जी, मुझे केवल भाभी कहकर, मेरी प्यारी हिंदू, हाथ से तुम भाभी जी जी कहकर ना बुलाया करो, केवल भाभी कहो, मुझे अच्छा लगता है। बेला प्यार से अपने ननद को भाभी कहने के लिए कह रही है। दोनों कपड़े धोने के लिए निकलते हैं, पर आपके कपड़े, दोनों कपड़े लेकर चलते हैं तो गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते हुए शब्द सुनाई पड़ते हैं। दादाजी मल की हुंगली थामे प्रवेश कर रहे हैं। दादा, हाँ बेटा, मेले में चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। दादाजी मल्लू को कह रहे हैं, आज हम लोग मेले चलेंगे, जो तुम्हें चाहिए खिलौने वो मैं दिला दूंगा। सहसा दादाजी के दृष्टि बाहर
होता है, तो बाहर हिंदू और बेला कपड़े धोने के काम में लगे हुए हैं, वहाँ दिखाई पड़ता है। दादा उसे देखते ही आश्चर्य से कहते हैं कि छोटी बहू इंदु, मैंने तो बहुत देर कहा पर भाभी मानी नहीं। मैंने बहुत समझाया भाभी जी को, बेला को मैंने इतना समझाया ये काम ना करो, दादाजी गुस्सा होंगे, क्रोधित होंगे, ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी नहीं मानी। दादा, छोटी बहू इधर हाँ बेटी, दादाजी बेला को बुला रही है। बेला शर्माती हुई दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। दादा, बेटा कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। दादाजी बेला को समझा रहे हैं कि तुम्हारा काम पढ़ना लिखना है, कपड़े धोना नहीं है बेटा। हिंदू जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हो जाती है और फिर वही बात दोहराती है, मैंने बहुत तेरा समझाने पर भी भाभी नहीं मानी। दादा उसकी बातों में रहे अनाधर की भा शब्दों को देकर कहते हैं, इंदु तुझे इतनी बार कहा है कि आदर से बातें करो। तब बेला यह दादारूपी वटवृक्ष की छाया में परिवार के भीतर चलने वाले संघर्ष की चरम अभिव्यक्ति बेला अब अपने शब्दों में प्रकट कर रही है। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी बहर डाल सूखकर मुरझा जाए? हाँ, बेला अपने शब्दों में यह प्रकट कर रही है, आप चाहते हैं इस महान वटवृक्ष भांति परिवार से एक सदस्य भी अलग ना हो जाए, लेकिन आप यह चाहेंगे कि इस पेड़ से लगी लगी डाली सूखकर मुरझाए जाए, ये पसंद है क्या आपको? तुरंत दादाजी बेला के शब्दों को समझ सकते हैं और कहते हैं, बेला के मानसिक दशा में इतना परिवर्तन आने का मूल कारण दादाजी ही है। अगर दादाजी अपने संयम के कारण इस परिवार को न संभाला होता तो आज इस परिवार में चलते हुए इस संघर्ष का समाप्ति भी हम लोग नहीं देख सकते। बच्चों, आज के इस सूखी ढाली एकांकी के द्वारा हम एक सीख जरूर सीखना जरूरी है, वह सीख है परिवार में कई सदस्य होते हैं, कई सदस्य होते हैं तो उनके कई भावनाएं भी होते हैं, हर भावनाओं के साथ समझौता करके हमें चलना पड़ता है, क्योंकि भावनाओं के संघर्ष के कारण ही परिवारों में झगड़ाएं होते हैं और झगड़ते झगड़ते परिवार के सदस्य बिगड़ जाते हैं। तो वैसे ही आज देश हो या समाज, तो समाज को बना के रखना और समाज में शांति का प्रतिष्ठापन करना हम सबका कर्तव्य बनता है। हमें यह सीख जरूर सीखना चाहिए, हम समाज के साथ और देश के प्रति और परिवार के प्रति हमारा दायित्व भी निभाना पड़ता है। वो दायित्व हम सब इस कहानी के द्वारा, इस एकांकी के द्वारा सीख चुके होंगे। बच्चों, आज के संदर्भ में प्रश्न के तरफ बढ़ेंगे तो प्रश्न मिलते हैं, बेला के अनुसार परिवार के सदस्य उससे किस प्रकार डरते हैं? पिछले कक्षा में हम लोग देख चुके थे मुर्गी के बच्चे बाज से, तो उत्तर है मुर्गी के बच्चे बाज से। दादाजी ने सबको क्या समझाया था? दादाजी ने घर के परिवार के सदस्यों को समझाया था कि आप सब बेला का आदर करें। सूखी ढाली एकांकी के एकांकीकार कौन है? उपेंद्रनाथ अशोक जी है। उपेंद्रनाथ अशोक जी ने हम सब के लिए एक नीतियुक्त एकांकी दे चुके हैं। हम सबको यह सीख जरूर मिला होगा हम परिवार के साथ कैसे मिलजुल कर रहे। तो इसके अंतर्गत हम लोग पांच छह वाक्यों में प्रश्न देखेंगे, तो बेला ने भावावेश में रूंधे हुए कंठ से दादाजी से क्या कहा? बेला दादाजी के सामने
रूंधे हुए कंठ से यह वाक्य बताती है कि आप लोगों को पता है पेज नंबर 158 में देखिए तो अंतिम दो पंक्तियां आपको मिलते हैं। आप पेड़ से किसी ढाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डांत सूखकर मुरझाए जाए। तो बेला रूंधे हुए कंठ से रोते हुए और दुखित हुए स्वर में यह वाक्य बता रही है, आप इस महान वटवृक्ष में वृक्ष से एक सदस्य भी अलग होना नहीं चाहते, लेकिन लगी लगी ढाली सूखकर मुरझाए जाए ये चाहते हैं क्या। तो यही वाक्य से पर्दा गिर जाता है और कहानी भी समाप्त होते हैं। तो इससे सूखी ढाली के उपसंहार में हम लोग कंक्लूजन में यह देख सकते हैं कि सूखी ढाली का अर्थ है लगी लगी ढाली सूकर मुरझाए जाए, यानी इस परिवार के सदस्य को अगर हम लोग अपने भावनाओं से अपने व्यवहार से अपने बर्ताव से अगर अलग रखे तो वो व्यक्ति का मानसिक दशा ऐसे ही सूकर मुरझाया जाता है। इससे बेहतर होगा उसे चाहे पढ़ी लिखी होने के कारण या सुसंस्कृत होने के कारण या सुशिक्षित होने के कारण उसे अलग रख के जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि वो भी एक मनुष्य है और मनुष्य मनुष्य के साथ अपने भावनाओं को बांट कर जीना ज़रूरी होता है। भावनाओं के मेल से ही एक परिवार का एक सुदृढ़ता बन जाता है, वो दृढ़ विश्वास हम सब में होना ज़रूरी होगा। तो एक बार एक शब्द और वाक्यांश में उत्तर लिखिए, उसे एक बार मैं दोहरा रही हूँ। बच्चों प्रश्नों को देखिए पेज नंबर 158 में, मिश्रानी को किसने काम से हटा दिया। उत्तर है बेला। मिश्रानी कितने वर्षों से मूलराज के परिवार में काम कर रही थी। उत्तर है 10 साल। नौकरों से काम लेने के लिए क्या होनी चाहिए। उत्तर है तमीज। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है। उत्तर है मंजली बहू। हर बात पर अपने मायके की तारीफ कौन करती रहती है। उत्तर बेला। दादाजी का छोटा पोता परेश किस पद पर था। उत्तर है नायब तहसीलदार। मलमल के दान और अबरों को परेश किसके पास नहीं लेकर जाते। दादाजी के पास। मूलराज के मंजली बेटे का नाम लिखिए। उत्तर कर्मचैन। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है। उत्तर है बरगद। हल्की सी करौंच भी दवा ना लगने पर क्या बन जाती है। उत्तर है नासूर। छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है। उत्तर है दर्प। घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता। उत्तर है घृणा से। बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया। उत्तर है जगदीश मल्लू। दादाजी ने परेश से छोटी बहू को कहाँ ले जाने के लिए कहा। उत्तर है बाजार। किसे दूसरों का हस्तक्षेप और आलोचना पसंद नहीं है। उत्तर है बेला को। व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है। उत्तर है बुद्धि और योग्यता से। पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम कौन करती है। ढालियाँ। दादाजी को किस कल्पना से सिहरन होने लगती है। उत्तर है पेड़ से ढालियाँ अलग होने से। बरगद के पेड़ की कहानी किनका निर्माण करती है। उत्तर है कुटुंब का, समाज का, देश का। दादाजी किसके हक में है। पुराने नौकरों के हक में है। किसने सारी की सारी छत फावड़े से कोट ढाली। उत्तर है मालवी। बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर क्या कर रहा था। उत्तर है गली के सिरे पर कम टोक रहा था। बेला के अनुसार परिवार के सदस्य उसे किस प्रकार डरती है। उत्तर है मुर्गी के बच्चे भास से। दादाजी ने सबको क्या समझाया था। उत्तर है बेला से आदर करने के लिए।
सुखी ढाली के एकांकिकार का नाम क्या है? एकांकिकार है उपेंद्रनाथ अशोक जी। इसके साथ साथ बच्चों अपठित भाग के अंतर्गत पहला जो एकांकी जो है सुखी ढाली समाप्त हो चुका है। आप लोग इसे नोट्स बनाइए और लिखकर पढ़कर कोई भी शंका हो तो हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए। धन्यवाद।